अफगानिस्तान में शनिवार को आए 6.3 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 2000 के पार हो चुका है। वहीं घायलों की संख्या भी लगभग 9000 के पार हो चुकी है। भूकंप की वजह से लगभग 6 गांव पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं और सैकड़ों लोग जो है मलबे के नीचे दबे हुए हैं। 3 घंटे के अंदर यहाँ पर 6 आफ्टर शॉक भी आए हैं। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हेरात शहर के करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर था। रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता अब्दुल वाहिद रियान ने कहा कि हेरात में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बताई गई संख्या से कहीं अधिक है। उन्होंने मलबे में फंसे लोगों की मदद करने की अपील की है।